नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता रियाल। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर योगी सरकार भी एक्शन मोड में दिख रही है। योगी सरकार चुनावों में किसी भी तरह की धांधली को लेकर काफी सख्त है। सरकार चुनाव में किसी भी अराजकता को मौका नहीं देना चाहती है, इसलिए सीएम योगी भी लगातार चुनावों की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। चुनाव पूरे पारदर्शिता के साथ संपन्न हो, इस पर भी योगी सरकार का पूरा जोर है। इसी बीच योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया है, जहां चुनावों से पहले सीएम योगी ने कई सरकारी अफसरों के तबादले कर दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने अधिकारियों की ड्यूटी और नियुक्ति को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शन जारी करते हुए डिटेल रिव्यू करने के भी निर्देश दिए थे। डिटेल रिव्यू के जरिए उन सभी ऑफिसर्स पर एक्शन लेने की बात कही गई थी जिन ऑफिसर्स को उनके होम डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्ट किया गया था या जिन ऑफिसर्स के पोस्ट को 3 से 4 साल हो गए थे। इसी के बाद अब योगी सरकार ने भी इन सभी पर एक्शन लेते हुए विधानसभा चुनाव से पहले 300 से ज्यादा नौकरशाहों के तबादले कर दिए हैं। राज्य सरकार ने शनिवार रात 14 IAS, 60 से ज्यादा सीनियर PCS यानी ADM और विशेष सचिव स्तर के ऑफिसरों के ट्रांसफर किए हैं। वहीं ट्रांसफर लिस्ट में 225 उप जिलाधिकारी भी शामिल है, जबकि राज्य सरकार ने राज्य के 10 जिलों में नए DM नियुक्त भी किए हैं। हालांकि अभी तक नियुक्ति और कार्मिक विभाग यानी कि DOPT ने इन तबादलों को पहले की तरह सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिन उप जिलाधिकारियों ने एक ही जिले में 3 साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। राज्य सरकार ने शनिवार को ही 14 IPS अफसरों के तबादले किए हैं, जबकि शुक्रवार को 6 IPS ऑफिसरों के तबादले किए गए हैं। वही शनिवार की बात की जाए तो शनिवार को जिन IPS अफसरों का तबादला किया गया है, उसमें आजमगढ़ के SP और आगरा के SSP का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि आगरा में सफाई कर्मी की थाने में मौत हो गई थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि SSP का ट्रांसफर होगा। वहीं आजमगढ़ के SP पिछले दिनों एक फरियादी को थप्पड़ मारने को लेकर सुर्खियों में आए थे। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने ये लिस्ट जारी की है, जिसके बाद ट्रांसफर का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल योगी सरकार के सामने लगातार सरकारी अधिकारियों को लेकर लापरवाही की कंप्लेंट्स आ रही थी, जिसके बाद योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए इन अधिकारियों के तबादले करने का फैसला लिया है। योगी सरकार का कार्यकाल खत्म होने में कुछ ही महीने बाकी हैं और इसी बीच सूबे के मुखिया लगातार जनता से किए अपने वादों को पूरा करने के साथ साथ भ्रष्टाचारी दंगाइयों और माफियाओं पर भी लगातार नकेल कसने का काम कर रहे हैं, जिससे कि सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता बनी रहे। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।